अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हसीब अहमद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दिखा रहा हूं कमालिया की पुरानी पुरानी इमारतें, जिनमें एक ये मंदिर शामिल है जिसकी डिटेल बाद में देंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं ये कमालिया की तारीख। कमालिया की तारीख के बारे में आपको मैं बताता चलूँ, 1947 की तकसीम की वजह से सिख और हिंदू यहाँ से हिजरत कर गए और इनकी बहुत सी पोशीदा अशिया अब भी दरियाफ्त हुई हैं। तो आप इन्हीं बिल्डिंगों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी है। ये एक बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ, ये कमालिया के मेन शहर टोटा बाज़ार में वाक़ है, जो कि इंतहाई खूबसूरत और बहुत अच्छी मेंटेन रखी हुई है। अभी बहुत ही अच्छी रखी हुई है। इसको आपको कमालिया के बारे में बताता हूँ। कमालिया का जो पहले नाम था कोट कमाल था, जो कि कमाल खान खरल के नाम से रखा गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका नाम कमालिया पड़ गया। ये देखें आप कितने प्यारे तरीके से इसको बनाया गया है। ये जो अब ये जो बिल्डिंग है ऊपर से तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये काफ़ी हालत अच्छी है। नीचे से इसकी हालत ये काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी है। हालत थोड़ी सी इस पर होने वाला है काम है। ये देखें जी, ये यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, छोटे छोटे रास्ते होते थे उस टाइम, पैदल लोग ज़्यादा चढ़ते थे। तो इतनी ऊंची बिल्डिंगें हैं और काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें। ये एक बिल्डिंग जो कि अब अंदर की तरफ इसका झुकाव हो चुका है। अब मेन तो इसका ये काफ़ी हद तक अंदर की तरफ चली गई, अपनी असल हालत में नहीं रही। वो ये एक वजह है कि ये जो टाइलें लगी गई हैं ये गारे की चुनाई से लगाई गई हैं। ये आपको एक घर दिखा रहा हूँ जो कि मंज हाउस है। इसमें भी ऊपर दरवाजे वगैरह खिड़कियाँ काफ़ी रखी गई हैं, जिस तरह पुरानी बिल्डिंगें होती थी। ये एक सामने बालकनी है जिसमें लकड़ी का काम हुआ है, बड़ा नफीस और प्यारा। गलियाँ छोटी होने की वजह से मैं जो पूरा ये व्यू है घर का वो नहीं ला सकता। ये एक बड़ी अच्छी जगह है, आगे बरामदा इसका बनाया हुआ है, दरवाज़ा बड़ा अच्छा है। तो ये सारा लकड़ी का काम हुआ है, बड़ा बेहतरीन, बहुत अच्छा बना हुआ है। ये एक दरवाज़ा जिसको बड़े नफीस से तरीके से बनाया गया। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ, जो कमालिया है आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 67वां बड़ा शहर है और कमालिया अभी तक तहसील है और इसका ज़िला टोबा टेक सिंह है। यह एक बिल्डिंग बड़ी ही अच्छे तरीके से रखी गई है। तो जो हालिया दौर में मोटरवे M4 की वजह से कमालिया में खासी तरक्की हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई है। ये एक दरवाज़ा जो है ये आप टेरेस इसका देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत बनाया गया, जबकि ये इसमें काफ़ी चेंजिंग कर दी गई है ये इमारतें। लेकिन ये दरवाज़ा अभी इसका वही पुरानी हालत में ही बना। ये जो इमारत है ये आप देख सकते हैं गली के बीच में है और ऊपर से आप देख सकते हैं दोनों इमारतें का फासला कितना है, और ये अभी अपनी असल हालत में नहीं रही, तो काफ़ी इसका झुकाव हो गया गली की साइड पर, लेकिन डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा और यूनिक है। ये जो इमारत है इस पर काफ़ी मेहनत से काम किया गया है, ऊपर से बड़ा अच्छा काम किया गया है।